आज मैं लेकर आई हूँ मटर की बेहद ही खास और अनोखी रेसिपी। ठंड का सीजन है और ठंड के सीजन में मटर भरपूर मात्रा में बाजार में मिल रहे हैं, तो क्यों ना मटर की एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो बिल्कुल हटके है। ये रेसिपी अगर आप एक बार अपने घर पे ट्राई करोगे तो यकीन मानिए आपके घर वाले आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप ले लिया है मटर। मटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने ले लिया है एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में मैं इन सारे मटर को ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दो हरी मिर्ची। मुझे थोड़ा सा तीखापन पसंद है, इसलिए मैंने हरी मिर्ची ली है। साथ ही मैंने अदरक के कुछ टुकड़े ले लिए हैं और थोड़ा सा मैंने ले लिया है लहसुन। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसको ऐसे ही दरदरा मिक्सी की मदद से पीस लेंगे। आपको थोड़ा सा मोटा ही पेस्ट रखना है। दूसरी तरफ आपको एक बाउल लेना है, उसमें आपको आधा कप ऐड करना है बेसन। तो वहीं आधा कप के लगभग आपको नॉर्मल गेहूं का आटा भी लेना है। और वहीं दूसरी तरफ हमने, आप देख सकते हैं कि मटर को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें ये मटर जो पीसा हुआ पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मोटा मोटा पेस्ट है। इसको हम अच्छे से सारा का सारा ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैं एक छोटा चम्मच इसमें अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ। अजवाइन पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी ही हल्दी ऐड करी है मैंने, ज़्यादा नहीं करी। दूसरी तरफ मैंने इसमें थोड़ा सा किंग मसाला भी ऐड किया है। आप चाहे तो चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने स्वादानुसार नमक भी ऐड किया है। और दूसरी तरफ मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। और ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं करे हैं। अब आपको इसे अच्छे से गूंथ लेना है। जिस तरीके से आप आटा गूंथते हैं ठीक इसी तरीके से आपको इसे भी गूंथना है। और इसमें पानी ना ऐड करें। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा चम्मच लगभग पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे अच्छे से गूंथ लेती हूँ। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी ऐड किया है और गैस को ऑन कर दिया है ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। इसका इस्तेमाल आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो वहीं हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंथ चुका है और आप देख सकते हैं कि आटा थोड़ा टाइट भी हो चुका है। आटा थोड़ा टाइट ही रखें। तो वहीं थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। धनिए की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आपको लगने वाली है। और थोड़ा सा मैंने इसमें खाने का सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी बोलते हैं, मैंने वो भी इस्तेमाल किया है। और अब फिर से मैं आटे को थोड़ा सा अच्छे से गूंथ लूँगी, यानी कि जो मटर का आटा है उसको मैं अच्छे से गूंथ लूँगी। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छे से तैयार होने वाली है। आप इसे एक बार अपने घर पे बनाओगे तो यकीन मानिए कि आप इसे हर बार बनाओगे। बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। मैं इसे अक्सर अपने घर पे ट्राई करती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए मैंने इसको अच्छे से अब मिक्स कर लिया है, तो क्यों ना अब इसको एक शेप दे दी जाए। आप चाहे तो कोई भी इसे शेप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे एक गोलाकार या यूं कहें कि एक लड्डू की शेप दे रही हूँ। दूसरी तरफ जो हमने अभी पानी गर्म रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें एक जालीदार प्लेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमने बॉल बनाई है उसको हम अभी स्टीम देंगे।
आप इसे इस अच्छे से सेट कर दीजिए ताकि जो गर्म पानी है वो इनके अंदर ना जाए, इसीलिए मैंने जालीदार छलनी का इस्तेमाल किया है। अब जो बॉल हमने बनाई थी वो बॉल एक एक करके हम इसमें रख देंगे और इसको हम अच्छे से स्टीम होने के लिए 10 मिनट तक रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। आप कोई भी प्लेट या फिर कोई भी लिड इसके ऊपर लगा सकते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दें। अब देख सकते हैं कि ये अच्छे से स्टीम ले रहा है और फाइनली अब 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से करारे भी हो चुके हैं, तो क्यों ना आप इन पे एक छोंक लगा दिया जाए। तो वहीं इसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है, उस पे मैंने लगभग एक बड़ा चम्मच तेल भी ऐड कर दिया है और अब मैंने तेल पूरे इस पे लगा दिया है। इस नॉनस्टिक तवे पे मैंने अच्छे से तेल लगाने के बाद में इस पे मैंने थोड़ा सा तिल डाला है, वाइट तिल मैंने लिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है राई। राई अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है हल्दी और अब मैं इसको अच्छे से घुमा लूँगी। ये गरम होने के बाद में आप ये सारी जो बाउल आपने अभी स्टीम करी थी आप इसमें रख दीजिए। मैंने सारी बाउल एक एक करके इसमें अच्छे से सेट कर दी है। थोड़ा सा अब ये फ्राई हो चुका है तो क्यों ना इनको अच्छे से पलट दिया जाए। तो फाइनली ये रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट पे सर्व कर लिया है। और इटालियन सीजनिंग अगर आपके घर पे हो तो आप इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, अगर आपके पास पिसी हुई थोड़ी सी चीनी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं और किसी भी हरी चटनी, केचप किसी के साथ में भी आप खा सकते हैं। यकीन मानिए कि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी, तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब पे अगर आप इसे देख रहे हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही चटपटी रेसिपी जानने के लिए हमें देखते रहे और हमारे वीडियो को लाइक करते रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली बार लौटेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।